अच्छा नाक और कान कट गया तो सुरपणखा भाग निकली। तो विचारणीय ये है कि जब नाक काटा था लक्ष्मण जी ने तो कान कटाने के लिए खड़ी थी कि इसको काट लो तब भागेंगे, या जब कान काटा तो नाक कटाने के लिए खड़ी रही होगी। अरे भागना था तुरंत भाग लेती, ऐसे कैसे काट दिया कि नाक और कान सब कट गया। इसको कहीं लिखा नहीं है कैसे काटा, लेकिन हमारे ऐतिहासिक के विद्वान अनुमान लगाते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा देखो हम तो विवाह कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है मौर पहनने की, तो सुरपणखा को जल्दी थी ब्याह करने की। उसने कहा जाओ मोर बनवा के लेके आओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो अपना नाप दे दूंगा लेकिन तुम्हारा वाला कहां से दूंगा। तो सुरपणखा ने लक्ष्मण जी के हाथ में देखा गुप्ती था, गुप्ती जानते हैं ना जो पतली से तलवार से पतली होती है लपलपाती है। सुरपणखा ने कहा इसी को मोड़ करके नाप ले लो। लक्ष्मण जी ने कहा डर नहीं लग रहा तुमको इससे। सुरपणखा ने कहा जब हमारा तुम्हारा प्रेम संबंध जुड़ ही रहा है तो भय किस बात का। लक्ष्मण जी ने कहा इसी से नाप ले लूं। हाँ हाँ ले लो। लक्ष्मण जी ने कहा आंख बंद करो। सुरपणखा ने आंख बंद किया और लक्ष्मण जी ने ऐसे लगाया घुमा के और कहा देवी नाप ले लें। लक्ष्मण जी ने पूछा तो सुरपणखा ने कहा हाँ ले लो, और लक्ष्मण जी ने वहां से नीचे सरका दिया, नाक और कान कट करके बाहर आ गया।